तो गाइस तो आप देख रहे हैं अब शेरवानी पहनाया जा रहा है। हे गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो स्वागत करते हैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल केसी ब्लॉग टेक में, जहां पे आपको ब्लॉग के साथ साथ कॉमेडी भी देखने को मिलेगा। सो गाइस तो आप सभी को जैसे कि पिछला ब्लॉग हमने दिखाया था तिलक का, तो आज है 9 तारीख, आज है हमारे घर बारात, जो कि मेरे भाई का तिलक का ब्लॉग था उसी का आज बारात है। तो भाई तो आज बहुत ही मज़ेदार ही ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाला हूँ, ये पार्ट वन है, और आज मैं दिखाने वाला हूँ चूका डुबाने गए हैं लोग वहाँ पे, देख रहे हैं छठ घाट पे, तो यहाँ पे बहुत हल्ला हो रहा था, इसलिए सोचे कि चले जाए उसके बाद हम बोलेंगे। उसके बाद से चूका डुबाने के बाद से आएंगे लोग तो कोहरत का भात खाएंगे लोग, उसके बाद से लड़का नहाएगा, कपड़ा वपड़ा सारा पहनेगा, तो सारा कुछ ये पार्ट वन में दिखाएंगे। उसके बाद से पार्ट टू निकलेगा बारात, तो वो दिखाऊंगा। अब पार्ट थ्री में वहाँ पे लेकर चलेंगे रेवती, जहाँ पे आप सभी को हमने बताया था कि रेवती शादी लगा हुआ है, तो वहीं पर वीडियोज़ बनेगा। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मस्ती करने वाले हैं हम लोग ब्लॉग में, तो इसलिए ब्लॉग में पूरा जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। अरे वो जो पिछला ब्लॉग में ये बोला था यही है। बोलो जी, बोलो कुछ। हाय फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे हैं तो हम लोग को कमेंट में बताइए, और आप लोग का हम लोग को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए देखिए जैसे कि सौरभ जोशी के ब्लॉग में पीयूष है, तो वैसे ही इसका नाम आयुष है, सोच रहे हैं इसी के साथ हम ब्लॉग बनाए वायरल हो जाएंगे। तो चलिए चलिए गाइस फटाफट लेकर चलते हैं आपको वहाँ चूका डुबाने के लिए, वहाँ पे दिखाऊंगा मस्ती करेंगे। जय गो भाई। तो देख रहे हैं यहाँ पे अभी चूका डुबाने वाला कार्यक्रम होने वाला है, जो कि मेरी बड़ी मम्मी है और तीनों पानी से डर लगा था। गंगा जी थोड़ी ना है बाबा ले जीवन। ठीक है तो यार पैसा दो जल्दी। फाइनली हम लोग यहाँ पे चूका डुबाने वाला जो रसम था वो पूरा कर लिए हैं लोग, ठीक है। अब चल रहे हैं वहाँ पे, काली माता का मंदिर है तो वहाँ पे थोड़ा पूजा पाठ होगा, उसके बाद से घर चलेंगे लोग। इसके बाद से क्या होगा जी? इसके बाद से कोहरत का भात खिलाया जाएगा, और उसके बाद से लड़का को नहवाया जाएगा। अभी 12:30 हो गया है, तो चलिए देखते हैं और क्या क्या होता है, सब कुछ आप सभी को दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए लेकर चलते हैं, वहाँ पे बहुत आवाज आ रहा था बैंड पार्टी का, तो इसलिए हम बना नहीं पा रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस तो फाइनली अभी हम लोग कोहरत का भात खा रहे हैं, देख रहे हैं मेरा भाई जिसका शादी है सबसे पहले ये खाया है, उसके बाद से बगल में इसका, इसके बाद से इसका शादी होगा, उसके बाद से उधर धोनू है उसका होगा, आइए इधर छोटा भाई है, आ इधर सारे लोगों भी हैं, हम ही लोगों को देख रहे हैं। मेरा होगा जब होगा, इसी में से कोई पसंद आएगी तो हो जाएगा। तो जल्दी फटाफट हम लोग खाते हैं, उसके बाद से इसके बाद से जो रसम होगा आप सभी को हम दिखाऊंगा, ठीक है। तो बैक कैमरा से थोड़ा सा देख लीजिए। ओके पहली बार सभी लोग मिलते हैं, पहली बार दो ये भाग।
तो यहाँ पे देख रहे हैं अभी हल्दी का हल्दी वाला रस्म है जी ये। अभी चुमाया जाएगा इन लोगों को। भाई देखिए, हेलो गाइस, हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस इसमें अब बोलना भूल गई है। अंगूठी देखिए बचा कर, अंगूठी चुरा ले। चलो भाभी आराम से, तनी ये भाभी है मेरी सबसे बड़ी वाली भाभी है। सामने मेरी मम्मी है, इधर पूजा है जो कि अभी आई हुई है। अरे हेलो गाइज वाली दीदी है मीरगंज की। वही तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लड़के को नहाने के लिए अब सारे लोग, अभी बुआ है, मम्मी है, मेरी बड़ी मम्मी है, तो यहाँ पे नहान स्टार्ट हो चुका है। अभी फोटो कैमरा हो रहा है। अरे नवाब, नवाब ढेर फोटो खिंचवा ले लीस। अरे भाई गोड़े गोड़े ऐसा होता है, आप थोड़ा कमेंट करके बताइए तो। ओए गुड़िया हटो। आप सभी के घर ऐसा रसम होता है शायद, मतलब शहर में उतना इतना नहीं होता होगा, लेकिन यहाँ पे होता है सारा कुछ। कमेंट करके बताइए कि होता है कि नहीं। पहली बार ऐसा सब लोग नहवा रहा है, देखिए पूरा बढ़िया से नहवा सन। तो चलिए अब दिखा दिए, उसके बाद से कपड़ा पहनेगा लड़का, तो उसके बाद से वो भी दिखाऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा रसम है हो रहा है। यहाँ पे मेरा भाई है और इधर, ओ माय गॉड, चलो भाई चलो। कपड़ा किस में पहना जाएगा बाहर, कौन पहनाएंगे? इधर मेरा बाबा का घर है, इसमें आशीर्वाद लेने के बाद से ही कपड़ा पहना जाता है। मेरा घर आप सभी तो देखे ही हैं भाई, एकदम देसी स्टाइल में शादी हो रहा है, ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं है, सिंपल है। चलिए कपड़ा पहनते हैं, तो उसके बाद से हम आप सभी को दिखाते हैं। सो गाइस, तो अभी हम लोग जैसे को रात का बात खा लिए, उसके बाद से नहा लिए, लड़का कपड़ा पहना रहे हैं। मेरे दो जीजा हैं मीरगंज के, एक पटना का। चलिए दिखाते हैं फटाफट आपको बैक कैमरा से। यहाँ पे देख रहे हैं वो कपड़ा पहना रहे हैं, तो बैक कैमरा से आप सभी को दिखा रहा हूँ, ठीक है स्वीट। सो गाइस, तो सामने जो देख रहे हैं ये हमारे पटना वाले जीजा हैं, और मेरे भाई का शादी है वो बगल वाले मीरगंज के जीजा हैं। तो इधर कपड़ा भी इन लोगों को पहना रहे हैं, पता ना नेक इनको इन लोगों को कितना मिला है। इधर आप सभी को हम दिखा दें कि ये शेरवानी है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। इधर सारे घर की ये प्रीति, गुड़िया और बेबी दीदी है। वेट कीजिए, पूरा कपड़ा पहन लेने दीजिए, उसके बाद से आप सभी को दिखा रहा हूँ। सो गाइस, तो आप देख रहे हैं अब शेरवानी पहनाया जा रहा है, यूपी जाने की तैयारी है, रेवती जाने की, मतलब लग ही नहीं रहा, एकदम सुन सनाटा है कि पूरा शादी हो रहा है, एकदम देसी स्टाइल में हो रहा है। गांव में तो आप सभी को पता ही है। हाँ बोलो सन, अच्छा देखिए शेरवानी काफी खूबसूरत लग रहा है, मस्त लग रहा है भाई, हैंडसम लग रहा है मेरा भाई।
एकदम हैंडसम लग रहे हो भाई। कोई बात नहीं है, सब लोग जानता है कि गांव में मेरा घर है। अभी फोटो शूट हो रहा है, इधर वीडियोग्राफी फोटो शूट सारा कुछ हो रहा है गाइस, इसी में सारा कुछ आप सभी को दिखाते रहूंगा। तो कैसा लगा जी पहना कर कैसा लगा है? देखो पैसा कितना मिला है, देखिए ये मिला है, 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 सब कुछ मिल गया इनको। ये शॉर्ट भी शायद दिलाया था इनको, तो देखिए मेरा भाई एकदम हैंडसम लग रहा है पूरा। चलिए अब सभी हम लोग इसके बाद वाले रस्म दिखाएंगे, ओके। तो भाई तो फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं और बारात अब निकलने वाला है घर से, तो पिछले वाला ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग आप सभी के लिए मैं अभी बनाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो वीडियो एकदम देखना मत भूलिएगा, अगला पार्ट यानी 3-4 ब्लॉग आने वाला है, ठीक है। सपोर्ट जरूर कीजिएगा, आप सभी से गुजारिश रहेगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और फैमिली के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फटाफट देख रहे हैं, रेडी हो चुके हैं एकदम। तो दूसरा ब्लॉग और तीसरा ब्लॉग में भी यही दिखेगा, दूसरा कोई और शॉर्ट नहीं करते हैं। तो फटाफट चलते हैं बाहर, एकदम सारे लोग रेडी हो चुके हैं। इधर दिखा दें, यहाँ पे पूजा भी रेडी हो चुकी है, इधर गुड़िया भी रेडी हो चुकी है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी को हम दिखाने वाला हूँ, यहाँ से बारात निकलेगा उसके बाद से हम लोग रेवती जाएंगे लोग, और मेरा भाई भी एकदम स्मार्ट बन चुका है पूरा। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं, वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ आपसे आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।